हाँ जी, हेलो, वेलकम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दी क्लास। मेरा नाम है पंकज, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस बेहतरीन सेशन में। और आज की क्लास में आखिरी सेशन होगा आपका फिगर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट का। प्रैक्टिस अभी और करेंगे हम इस चैप्टर की, प्रैक्टिस अभी खत्म नहीं हुई है, प्रैक्टिस की और दो क्लासेज आएंगी, कॉन्सेप्ट की ये लास्ट क्लास रहने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आज खत्म हो चुका है और प्रैक्टिस में अभी और भी हम करवा सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस और करवाएंगे। कल से नया चैप्टर शुरू होगा और शानदार लेवल का कॉन्सेप्ट अभी आपका चल रहा है, लास्ट क्लास आज है, आज कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ खत्म कर चुके होंगे हम फिगर काउंटिंग के अंदर। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, अच्छा, कल से सीएचएसएल का जो जो भी है नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म आपके शायद स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है, चलो। इसी के बाद अगर बात करता हूँ तो ये 2 बजे दोपहर क्लास भी होती है आपकी, ये क्लास जो है वो फिगर काउंटिंग की क्लास होती है। एक मिनट, चलिए, ओके, फिगर काउंटिंग की जो है वो 5वीं क्लास आज है। कॉन्सेप्ट वाइज अगर बात करी जाए तो भी 5वीं क्लास और आखिरी कॉन्सेप्ट की क्लास आज, और प्रैक्टिस वाइज अगर बात करी जाए तो 5वीं प्रैक्टिस की क्लास है और ये भी आखिरी है आज। कुल मिलाकर के 5 कॉन्सेप्ट की क्लासेस आज हो चुकी हैं और टोटल 6 प्रैक्टिस की क्लास होंगी, मतलब कल भी प्रैक्टिस होगी इसकी, तो कुल मिलाकर के 11 क्लासेस में चैप्टर खत्म होगा। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो अब आप ना बना पाए भाई, हर एक तरह का, हर एक एंगल से, हर एक तरह से सोच करके किस किस तरह का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, बन सकता है, उस हिसाब से आप लोगों के लिए क्वेश्चन डिजाइन करे गए हैं। तो आप जो है अब तैयार हो जाओ रण में उतरने के लिए, अगले चैप्टर में उतरने के लिए। इसी के साथ जो भी यहाँ एप्लीकेशन की क्लासेस आपको नजर आती है वो माइराज एंड एप्लीकेशन पर होती है, प्ले स्टोर पर जाइए, माइराज इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, माइराज इंडिया एप्लीकेशन के अंदर जाकर के आपको सारथी लाइव बैच को ज्वाइन करना है। सारथी लाइव बैच में सभी टीचर्स के कंप्लीट जो है प्रयास लाइव बैच, कंप्लीट टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, लाइव मिक्स प्रैक्टिस, पीडीएफ ऑफ प्रैक्टिस क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब पर आपकी कंप्लीट होती है। तो ये लाइव बैच सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ नोट्स बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नोट्स बैच में सभी टीचर्स के कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज सीपीपीज और एसपीपीज आपको मिलती हैं, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, रैंकिंग सिस्टम, डाउट सेशंस के साथ में आपको कंप्लीट ये सारथी लाइव बेस भी मिलता है, इसको भी आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सभी क्लासेस के अपडेट के लिए। और आइए शुरू करेंगे ऐसी क्लास को, आज हम फिगर काउंटिंग पढ़ने वाले हैं, फिगर काउंटिंग का लास्ट सेशन आज हम करने वाले हैं। अच्छा, सबसे पहले तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया उसको क्विकली एक बार देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। हमने अभी तक स्ट्रेट लाइन काउंटिंग पढ़ा है, हमने डायगोनल काउंटिंग पढ़ लिया है, हमने स्क्वायर काउंटिंग पढ़ लिया है, हमने रेक्टेंगल काउंटिंग पढ़ लिया है, हम ट्राइंगल काउंटिंग पढ़ रहे थे। आज ट्राइंगल काउंटिंग तो खत्म हो ही हो जाएगा और आगे की कुछ चीजें और कवर कर लेंगे अपन, ट्राइंगल काउंटिंग खत्म कर लेंगे। इसके बाद में आज हम नंबर 6 सर्कल काउंटिंग पढ़ेंगे, नंबर 7 क्यूब या क्यूबॉइड काउंटिंग पढ़ेंगे, और नंबर 8 सरफेस काउंटिंग भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा सरफेस काउंटिंग 3D स्ट्रक्चर्स में। चलो, और इसी के साथ आपका आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, छोटे छोटे 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट इतना, ये ट्राइंगल आधा घंटा, ठीक है। आइए, तो ट्राइंगल काउंटिंग में जो पोर्शन बच गया उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल आपको मैंने एक सवाल दिया था, याद करो थोड़ा सा, उसी से शुरू करते। कल एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था भाई, होमवर्क में क्वेश्चन था कुछ इस तरह का, इसी सवाल से आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं। बताइए जवाब क्या है इस सवाल का, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन गाइस। ऊपर नीचे भी लगा रखे थे इसके, कल की फाइल देखनी पड़ेगी क्या भाई। एक मिनट, मैं कल का क्वेश्चन देख लूं जल्दी से, ऐसा ही था कि कुछ और बनाया था, पार्ट थर्ड पार्ट फोर्थ। अगर ऐसा ही था तो आंसर करो, और अगर इसमें बदलाव हुआ तो मैं भी बदलाव कर देता हूँ, कल की क्लास याद में देख लेता हूँ। अच्छा, ऊपर नीचे भी लगाए थे, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछे गए थे भाई आपसे इससे।
हाँ प्रैक्टिस क्लास में करवाया होगा शायद, इससे ये हटा के तो करवाया था प्रैक्टिस क्लास में, ये और ये नहीं था, होमवर्क में कुछ और था, प्रैक्टिस क्लास में कुछ और था। आओ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स देखते हैं यार, तीन है इसमें, अलग अलग तोड़ रहे हैं, तीन है इसमें, तीन है इसमें, तीन है इसमें, ठीक है। इस नीचे वाले में आठ है, चार दुनी आठ, इस नीचे वाले में आठ है, ऊपर वाले में आठ है, ऊपर और नीचे वाले को मिला दोगे तो दो है, इस साइड वाले और बीच वाले दोनों को मिला दोगे तो दो है, इस साइड वाले इन दोनों को मिला दो मतलब ऊपर नीचे वाला ये एक नीचे वाला दो है, बस इतना ही है, खत्म हो गया कुछ, ऊपर और नीचे वाले कोई ट्राइंगल फॉर्मेशन हो नहीं रहा। तो पहले तो आठ और आठ सोलह, प्लस फिर तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, फिर दो दो चार, दो छह, बाईस और चौबीस, चौंतीस, 34 आंसर है इस सवाल का, 34 त्रिभुज मौजूद है। 36 कैसे भाई, कुछ छोड़ दिया क्या मैंने, 16 28 34 ही तो आ रहा है, आठ दूनी सोलह, ठीक है, तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, दो दो चार, दो छह, 34 ही आ रहा है भाई, 36 कैसे बोल रहे हो। हाँ भाई चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार थोड़ा सा ध्यान से, जैसे आपने इसमें गिना नंबर ट्राइंगल्स गिने ना इसमें, आपको आ भी गए, आप सीख भी गए, एक्चुअली में एग्जाम में इसी की कुछ सब फिगर्स आ जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सवाल आ गया, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताइए। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको इतनी टुच्ची टुच्ची फिगरें, क्योंकि इनसे एक सवाल बनेगा अभी, बताओ एसएससी जीडी में मेडिकल बहुत हार्ड होता है, नहीं बहुत हार्ड तो नहीं होता, मॉडरेट होता है, आर्मी जैसा नहीं होता, मैं आपके प्रयास बैच की स्टूडेंट हूँ, आपकी वजह से रीजनिंग में, अच्छा प्रयास बैच का स्टूडेंट हूँ, आपकी वजह से रीजनिंग में 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 20 में से शायद एसएससी जीडी की बात कर रहे हो आप, सारे ठीक हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अच्छा चलो यार बहुत अच्छी बात है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, तो है ना, वेल डन अनिकेत ठाकुर। मैंने एक बात भी बोली थी आप लोगों को सभी को ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों के आंसर की तो आई गई है एसएससी जीडी की, अब थोड़ी सी असलियत मैं भी देख लूँ, तो अपनी आंसर की जो भी आपने डाउनलोड कर रखी है वो इस नंबर पे सेंड कर देना, और उस पर लिख देना पंकज सर ने कहा था, पंकज सर को भेज दो 8005661840, इस पे भेज के इसमें एक मैसेज और डाल देना कि पंकज सर ने कहा था कि उनको चाहिए, तो पंकज सर को फॉरवर्ड कर दो, एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ है उसकी जो आंसर की आपने डाउनलोड करी है वो वाली, कितने भी नंबर आ रहे हो भेज दो, मुझे पेपर देखना है इसलिए, ठीक है। चलो एक दो बच्चों का तो देखा है, पर कुछ ज्यादा लोग भेज दोगे तो ज्यादा बढ़िया एनालिसिस हो जाएगा, है ना, अगली बार के लिए। आओ नंबर ऑफ ट्राइंगल, एक दो तीन चार पांच छ और एक ये बड़ा ही बड़ा वाला सात, सात त्रिभुज बन रहे हैं भाई, आइए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह, ग्यारह त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक दो तीन, तीन त्रिभुज बन रहे हैं, सात ग्यारह और तीन त्रिभुज बन रहे हैं। तो सर ये कराया क्यों है, सवाल का काम कहाँ आएगा ये सवाल, दो बढ़िया बढ़िया सवाल करा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे आ जाऊंगा, शानदार सवाल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है, एग्जाम में आए हुए बेस्ट 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 क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन। दो देखो
हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज मौजूद हैं। बस एक और बना देता मैं, स्पेस थोड़ा सा तो ले लेते हैं इसे, पर सॉल्यूशन में दिक्कत आ जाएगी फिर, नहीं तो चलो बना ही लेता हूं यहां पे। बस ये दो बता दो, फिर इसके लास्ट टाइप में एक तरह से बना जाएंगे, ये दो बता दीजिए फिर इसके लास्ट टाइप में अपन एंटर कर जाएंगे। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। स्कूल टीचर स्टूडेंट का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? देखो यार, वेन डायग्राम का एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन ये है कि कई बार हमें हमारी मर्जी या फिर जो है वो सवाल के हिसाब से काम करना पड़ता है, हमारी मर्जी नहीं चलती है सवाल में। जैसे कि नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, टीचर है भाई, स्कूल में नहीं हूं, मैं स्कूल में नहीं हूं लेकिन मैं टीचर हूं। स्टूडेंट हो, कॉलेज में भी होते हैं स्टूडेंट जो है वो कॉलेजेस में भी होते हैं, तो किस हिसाब से बनेगा? स्टूडेंट टीचर हो नहीं सकता, एक साथ तो नहीं हो सकता। जैसे हो सकता है कि मैं कोई हायर डिग्री परस्यू कर रहा हूँ, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ, मैं टीचर भी हूँ। तो कुल मिलाकर के इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से आंसर दिया जाता है। मान लो स्कूल के अंदर जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि बाकी स्टूडेंट कॉलेज में हो सकते हैं, कोचिंग में हो सकते हैं, और टीचर जो है कुछ ही स्कूल में है, लेकिन ये इसका एक्यूरेट आंसर है। अब समझो ये ऑप्शन में ही ना हो उस केस में, जैसे कि आप पूछ रहे हो तो मुझे बहुत यकीन है कि आपके ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा, आपके सवाल में ऑप्शन नहीं होगा। उस केस में आपको जबरदस्ती ये मानना पड़ेगा कि स्कूल के अंदर ही सारे टीचर्स होते हैं, स्कूल के अंदर ही सारे स्टूडेंट होते हैं, तो या तो ऑप्शन में ये मिलेगा, और आपने कमेंट में पूछा ही है ये सवाल, मुझे यकीन है कि आपके ऑप्शन में नहीं होगा, आपके ऑप्शन में ये नहीं है, तो फिर ये आंसर आपका एक्यूरेट माना जाएगा। कई बार हमें ऑप्शन क्या कह दो सवाल की भी चलानी पड़ती है, तो ये आंसर भी उस केस में ठीक है कि भाई टीचर्स की सारे टीचर्स की जगह स्कूल में ही है, शिक्षण संस्थानों में ही है, और स्टूडेंट्स की सारी जगह जो है स्कूल में ही है, तो ये आंसर उस केस में ठीक होगा। आओ देखो भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इस पोर्शन में बोलो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने, गिन डालें क्या भाई? तीन तीन छह और एक सात, इस पोर्शन में बोलो कितने ट्राइंगल मौजूद है। तीन तीन छह तीन सात आठ, तीन तीन छह तीन नौ दस और ग्यारह, इस पोर्शन में कितने त्रिभुज मौजूद है? सात। इन दोनों को मिलाने से कितने त्रिभुज आएंगे? तो बोले इन दोनों को मिलाते ही देखो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो त्रिभुज आएंगे। इन दोनों को मिलाते बोलो कितने आएंगे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, दो त्रिभुज आएंगे। सात प्लस दो नौ प्लस ग्यारह बीस, प्लस दो बाईस और सात उनतीस, 29 ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आसान हो गया कब, जब हमें इसकी शॉर्ट अप्रोच पता थी। नॉर्मली आपको मैं सवाल दे दूं बोलो गिनो गिनो बस गिनो, तो गिन नहीं पाओगे आप, इसमें दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? तो अभी ये सवाल अच्छा है, बताइए जवाब क्या है। इसको थोड़ा और टफ बना दूं क्या भाई, क्या कहते हो? थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दे इस क्वेश्चन को, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बनाएंगे। बताओ, अपडेट कर दिया सवाल को। देखो यार, आसान बात बताता हूं, एक बार गिन लो मल्टीप्लाई बाय टू कर देना, इसका गिन लो और मल्टीप्लाई बाय टू कर देना, वही आंसर है। तो बस एक बार गिन लो नीचे नीचे वाली पोर्शन से या ऊपर ऊपर वाली पोर्शन से। 58 48 शाबाश, 58 56 ले लो। तो ऑप्शन भी दे देते हैं इस बात पे तो यार, इस सवाल के ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी 58, ऑप्शन नंबर सी 60, ऑप्शन नंबर डी 62। 56 भी है क्या? लो ऑप्शन नंबर ई 56।
हाँ जी भाई आओ। क्या सर, मैं तो एनालिसिस कर रहा हूँ आपकी कमेंट्स का। 48, 52, 60, 62, 4 नहीं गिने ये वो करना। चलो कोई बात नहीं, बस आप फुल स्टॉप लगा दो अपने सॉल्यूशन पे और मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। सभी रुक जाएंगे, गाड़ी पे ब्रेक लगाएंगे, थम जाओ, रुक जाओ, ध्यान से बात सुनो। चलो हाँ जी, इसमें 8 है क्या? इसमें भी 8 है क्या? दोनों को मिला दूंगा तो 2 हो जाएंगे क्या? 8 दूनी 16, 2 18 इस पोर्शन में है क्या? प्लस अब देखो, इसमें 1 है क्या? इन दोनों को मिला दूंगा तो 2 हो जाएगा क्या? तो इधर 2 हो रहे हैं कुल मिला करके। ये 1 है, इन दोनों को मिला दूंगा तो 2 हो जाएगा कि इस पोर्शन में भी 2 हो रहे हैं, तो 2 और 2 4 हो गए क्या? प्लस इस लाइन की वजह से कितने त्रिभुज बने भाई? इस लाइन की वजह से यही गलती करे हुए आपने। ये लाइन जब यहां तक आई तो 1 2 फिर ये 2 हो गए, फिर ये लाइन थोड़ी नीचे तक पहुंची तो 1 2 4 हो गए, फिर लाइन नीचे तक ही गई 5 6 ठीक है। फिर ये 7 ऊपर वाला, ये वाला दिस वन 7, और ये नीचे तक वाला 7 पूरा 8, तो ये लो 8 हो गए। 30 दुनी 60 60 आंसर है सवाल। नीचे 30 ऊपर 30 60 आंसर 60 ठीक है क्लियर। 62 62 वालों अब सुधार लो। चलो आगे, आगे बढ़े भाई। अगर नहीं समझ में आया तो ऊपर वाला फिर गिनूं? 60 के 60 फिर 30 के 30 फिर निकलेंगे। 30 ऊपर हो गए, 30 ऊपर है, दोबारा गिनना चाहो तो दोबारा गिन लो, आ जाओ एक बार फिर से देख लो। 8 8 दोनों को मिला के 2, 1 इसके साथ मिलाते 2, 1 इसके साथ मिलाते 2, इस पोर्शन में 3, ये नीचे लाइन चली जाएगी तो 1 इधर 1 इधर 2, 1 यहां 1 यहां 4 और 1 बड़ा ही बड़ा 5 ठीक है। गिन डालो बस कितने हो गए। 8 दुनी 16 17 18 19 20 21 22 22 और 3 25 और 5 30 30 और 30 60 बस। चलो अब आते हैं इसके लास्ट टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप है ये, इसका लास्ट टाइप ऑफ ट्राइंगल काउंटिंग। इसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप में एंटर करेंगे अपन ठीक है। नेक्स्ट टाइप होता है इसका इस तरह का, नंबर ऑफ ट्राइंगल बताइए। हाँ भाई, नंबर ऑफ ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल देखो यार, इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूले तो अपन याद ही नहीं करते है ना, फॉर्मूला तो अपन याद ही नहीं करते। बाकी अगर फॉर्मूले से करना है तो फॉर्मूला है
एन प्लस टू एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन अपॉन एट। ये फॉर्मूला है इवन वैल्यू का। ये फॉर्मूला किसका है भाई? इवन वैल्यू का। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है ट्रायंगल निकालने के लिए, एन इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन अपॉन एट माइनस वन अपॉन एट। यह है ओड वैल्यू का। मतलब सर समझ में नहीं आया, एन क्या है? एन है बेटा जी यहां पर जो बेस बड़ा है एक नीचे, बेस कितना बड़ा है? दो। तो दो इसका एन है। तो इवन अगर होगा तो ये फॉर्मूला लगाना है, दो इवन है, और ओड अगर हो जाए तो ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे ये तीन है, एक दो तीन, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन यार ऐसे बताओ तुम कि फॉर्मूला सेहत के लिए सही है क्या? नहीं है। इतना बड़ा फॉर्मूला हम सोल्व नहीं करेंगे और ना ही करना चाहेंगे इतना बड़ा सॉल्यूशन। चिंता मत करो, इरेज नहीं करा, लिखा हुआ छोड़ दिया आपके लिए। देखो ध्यान से कि फॉर्मूला है, जैसे एन दो आया तो रखो जरा इसमें दो, तो दो गुणा चार प्लस पांच अपोन आठ, तो आठ से आठ कट गया, पांच बच गया, तो पांच है गया इसमें। एन को दो रखा तो अच्छा, एन तीन है, तीन तो ओड वैल्यू है, ओड है तो ओड इस फॉर्मूले में रखा जाएगा। ट्राइंगल बराबर तीन इंटू तीन और दो पांच इंटू तीन दूनी छह और एक सात माइनस एक बटे आठ। करो सॉल्यूशन, सात पंजे पैंतीस, पैंतीस गुणा तीन नब्बे, एक सौ पांच, एक सौ पांच एक सौ चार बटे आठ, आठ एकम आठ और दो आठ सोलह आठ तीस चौबीस तेरह, थर्टीन ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, तेरह त्रिभुज मौजूद है सवाल। बीच वाला भी इसी तरह से होगा, जैसे बीच में एक दो तीन चार बेस आ रहा है तो चार एन बराबर चार और दो फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाए। लेकिन यार ये फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखना मुश्किल है, हो सकता है आप सवाल में दो चार बार देख लो और याद हो जाए आपको, लेकिन यही फॉर्मूला लंबे समय तक याद करना मुश्किल है। तो मुश्किल है, अगर कोई चीज मुझे मुश्किल लग रही तो आपको भी मुश्किल लग रही होगी। तो आइए, टू एन माइनस वन ये लिमिटेड है बेटा, टू एन, हाँ भाई एक और देख लो, अगर टू एन माइनस फाइव लगाना है तो लगा सकते हो, लेकिन ये सारे सवालों पर नहीं लग सकता है, ठीक है? अगर 2n माइनस 5 लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये सारे सवालों पर नहीं लगेगा। सारे का मतलब है कि तीन चार लाइनें जब तक आपकी आएंगी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन तीन चार लाइनें आएंगी, जैसे इसमें आ रही है इसमें, इनमें तो सब में लग जाएगा ये 2n माइनस 5, लेकिन ये बड़े सवाल पर नहीं लगता, तीन या चार हॉरिजॉन्टल लाइंस पर ही लगता है। लाइंस वाले सवाल पर ही लगता है। समझ पा रहे हो क्या कहा मैंने? कि ये जो सवाल है, ये जो ट्रिक है 2n माइनस 5 वाली फॉर्मूला, ये तीन या चार लाइन वाले सवालों पर ही लगता है, बाकी पे पांच लाइन आ जाए दो लाइन आ जाए एक्सेप्शन हो जाता है। जैसे रखना जरा एन बराबर दो रखो, इसमें दो दो चार में से पांच है, माइनस एक आंसर आ रहा, लग ही नहीं रहा इसमें, इसमें लगाओ लग जाएगा, उसमें लगाओ लग जाएगा। अच्छा उसमें दो ही लाइन है, उसमें भी नहीं लगेगा शायद, देखना एक बार के लिए, तीन दोनों छह, इसमें भी नहीं लग रहा, इसमें लगेगा। अच्छा ज्यादातर एग्जाम में चांस है कि तीन या चार ही लाइनें आए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो ये हर किसी में नहीं लगता, लिमिटेशन है, फिर से लिमिटेशन होगी, फिर से नहीं कर पा रहे सवाल सोल्व। तो यार मेरा मेथड सुन लो, अब तुम्हारे बंद हो जाए तो मेरा मेथड भी सुन लो, तुम्हारे मेथड्स पे फुल स्टॉप लगा दे। तीसरा मेथड बताने जा रहा हूं और वही एग्जाम तक याद रहेगा और वही याद रखना है आपको एग्जाम में। तीसरा तरीका सुन लो भाई, तीसरा और आखिरी, यहां रामबाण है। क्या करना है? जितने नंबर है ना उनको लिख लो, एक और दो नंबर है गुरु जी, तो लिख लो, एक को लिखो प्लस करो दो को लिखो, एक प्लस दो कितना हो गया? तीन हो गया, प्लस करना है और इनको दोबारा से जोड़ना है, जैसे प्लस थ्री प्लस वन दोबारा लिखना है, शर्त है पहले को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, तीसरे को छोड़ना है, चौथे को लिखना है, इस तरह से। दिस इज द आंसर। नहीं समझ में आया होगा, दोबारा समझो, दोबारा समझो, जितनी जितने नीचे बेस बढ़े हैं एक दो तीन चार उनको लिखो, सबसे पहले एक लिखो, एक में जोड़ो दो को, तीन हो गया, एक प्लस दो तीन हो गया,
तीन में जोड़ो तीन को, छह हो गया, छह में जोड़ो चार को, दस हो गया प्लस। अब दोबारा से ही इनको जोड़ते हुए दोबारा लिखना है, लेकिन शर्त यह है पहले को छोड़ना है, दूसरे को लिखना है, फिर छोड़ना है, फिर लिखना है। तो छह प्लस एक और लिखना आगे, छह प्लस एक, आंसर बोलिए भाई साहब, दस बीस छब्बीस सत्ताईस, 27 आंसर है। ये वाला तरीका कितने भी छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा सवाल के अंदर जो है लगाया जा सकता है, इस पर कोई लिमिटेशन नहीं है भाई साहब। आइए एक दो तीन, एक प्लस में दो तीन हो गया, तीन प्लस में तीन छह हो गया, पहले को छोड़ दो दूसरे को लिख दो, फिर छोड़ दो, छह और छह बारह एक तेरह। कैसा भी सवाल हो ये तरीका यूज करो, कितना भी छोटा और कितना भी बड़ा सवाल हो ये तरीका यूज करो, आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो भाई, मजा आया? एक और, एक दो और देख लो, क्योंकि जब आप इसकी दो चार सवालों में प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा ये। एक दो बार और देख लो, थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं। ये ज्यादा कुछ अगड़म तगड़म हो गए यहाँ पे। चलो कर लो ये, तो कोई बात नहीं, समझ लो ये बनी हुई फिगर, इसका आंसर होता है। नहीं, मेरा कॉलिंग टाइम चेंज नहीं हुआ, 11 से 12 आप मेरे से बात कर सकते हैं। एक दो तीन चार पांच, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो इसकी वजह से कुछ आंसर में तो परिवर्तन नहीं हो पर फिगर में थोड़ा सा हो गया। वन प्लस करना है टू के साथ में, वन प्लस टू कितना हो गया थ्री, थ्री प्लस थ्री कितना हो गया सिक्स, सिक्स प्लस फोर कितना हो गया टेन, टेन प्लस फाइव कितना हो गया फिफ्टीन, प्लस करना है उल्टी तरफ से जोड़ना शुरू करो, पहले को छोड़ो फिर लिखो दस हो गया प्लस, फिर छोड़ो फिर लिखो तीन हो गया प्लस, फिर छोड़ दो, छोड़ दे कुछ नहीं तुमने, आप आंसर जोड़ डालो कितना आंसर आ गया भाई। जिसको फॉर्मूला अच्छा लगा वो फॉर्मूला कर लो, जिसको 2n माइनस 5 अच्छा लग रहा है वो कर लो, जिसको दोनों अच्छे लग रहे हैं वो ये कर लो। 10 20 35 45 48 48 ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसी के साथ ट्राइंगल काउंटिंग का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, अब नए कॉन्सेप्ट में एंटर करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का, एक मिनट का गैप दे रहा हूं, इतने कोई भी डाउट है किसी प्रकार का डाउट है पूछ लो, नहीं तो फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं एंटर कर रहा हूं भाई। कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है ट्रायंगल काउंटिंग में अब, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया, 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 अब पढ़ेंगे सर्कल काउंटिंग 5 मिनट, क्यूब क्यूबॉइड काउंटिंग 5 मिनट, सरफेस काउंटिंग 5 मिनट, 15 मिनट में खत्म। हाँ भाई बोलो। अगर समझ में आ गया तो लिख दो, क्लियर सर जी?
आइए देखते हैं सर्कल काउंटिंग। अच्छा सर्कल होता क्या है? किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पर खींचे गए कुछ डॉट्स, चारों तरफ खींचे कुछ गए कुछ डॉट्स को अगर मिला दिया जाए तो उसे ही हम सर्कल कहते हैं। कुछ तो बनाई। हाँ भाई किसी एक बिंदु से खींचे गए बराबर दूरी के ऊपर कुछ डॉट्स को अगर मिला दिया जाए तो बनता है एक गोला और उसी को हम सर्कल कहते हैं। इसके अंदर कई तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितने सर्कल हैं, आप कहोगे एक। कितने सर्कल हैं, आप कहोगे दो। कितने सर्कल हैं, आप कहोगे तीन। कितने सर्कल हो गए, चार। कितने सर्कल हो गए, पांच। कितने सर्कल हो गए, छह। कितने सर्कल हो गए, सात। सात सर्कल मौजूद हैं इस सवाल के अंदर। तो इतने ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ना तो कोई शॉर्ट अप्रोच होती है, बस इसमें एक एनालिसिस करने का तरीका होता है कि भाई आपको सवाल को देख करके एनालाइज करना है कि भाई कितने सिमेट्रिसिटी कोई फिगर बन रही है तो डबल कर दो, कोई स्पेसिफिक कुछ सर्कल्स आ रहे हैं तो इस तरह से कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक दो सवाल मैं ड्रॉ करके और बता दूं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से लो। नंबर ऑफ सर्कल गिनो भाई कितने, नंबर ऑफ सर्कल। तो इसमें बेसिक सी तो सवाल, बेसिक था तो सवाल है यार, देख करके गिनना है बस। अब गिनने का तरीका होना चाहिए, घुचल पुछल नहीं होना चाहिए। पता चल रहा है एक गिन रहे हो, दो गिन रहे हो, तीन गिन रहे हो, चार गिन रहे हो, तो बेवकूफों वाली बात हो गई। प्रॉपर गिनो, पूरे गिन लो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जितने भी आ रहे हैं, सात आ रहे हैं, इसमें छह आ रहे हैं, पांच आ रहे हैं, चार आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, जोड़ डालो। छह और सात 13, 5, 18, 4, 22, 23, 24, 25, 27 हो गया, 28 हो गया क्या, 28 आंसर है, फैक्टोरियल 728। ठीक है, तो इस तरह से आंसर निकालो, खत्म। ठीक है, आओ अब कुछ सवाल देख लेते हैं भाई, कैसे कैसे सवाल इस पे बनते हैं। गिनो, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मली देख करके गिनना है, कोई फॉर्मूला, कोई तरीका, कोई शॉर्ट अप्रोच नहीं है, देख करके गिनो। आते ही नहीं है इसलिए तो छोटा मोटा सा चैप्टर है बेचारा, छोटा मोटा इसीलिए तो नहीं आता इसमें से। 29 होंगे, ऊपर वाले में 8 लगा, 8 नहीं है उसमें, 7 ही है। एक मिनट में गिन लेता हूँ, वीडियो को पीछे करके दोबारा से गिन लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अच्छा 8 बन गए उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, तो एक सर्कल हटा दो ऊपर वाले से, हटा देता हूँ अभी। ठीक है समझ गया। आसान है, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। बस
हम सही तो थे बेटा, हम सही तो थे, 28 ही तो है। आओ नेक्स्ट। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, दस त्रिभुज मौजूद है। तीन तीन छह, तीन नौ, तीन बारह, तीन पंद्रह, तीन अठारह, अठारह त्रिभुज मौजूद है। बताइए आ जाओ। एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। आप भी सही हो। नेक्स्ट। कल चैप्टर नया पढ़ेंगे, कल हम डाइस पढ़ लें क्या? छोटा ही चैप्टर है वैसे तो, डाइस दो दिन में या तीन दिन में खत्म हो जाएगा, क्या कहते हो? कल डाइस पढ़े या कोई और चैप्टर पढ़े? देखो यार, मेरा सोचना ये है कि बैच की शुरुआत में थोड़े आसान से चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो आप लोगों को भी चीजें समझने में और रीजनिंग में घुलने मिलने में थोड़ी आदत हो जाती है। या मैं, आप चाहो तो कोई टफ चैप्टर उठा लेता हूँ। बोलो, कैलेंडर पढ़ोगे, स्टेटमेंट कंक्लूजन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? मेरे हिसाब से आसान पढ़ना चाहिए ताकि आप लोग भी कंफर्टेबल हो जाओ सब्जेक्ट के साथ में। और अगर कोई बच्चा 10 दिन बाद भी बैच में जुड़े तो उसके लिए पीछे की चीजें हैवी ना रहे, कि यार आसान आसान चीजें थी, सब सेपरेट सेपरेट चैप्टर थे, तो आराम से वो बाद में भी कभी कवर कर सकता है, ये भी एक बात है। कोई बच्चा अगर 15 दिन बाद भी ज्वाइन करे तो उसको हैवी ना लगे कि यार अब क्या करूं, तो इसीलिए थोड़ा आसान ही रखते हैं अपन शुरुआत के दो तीन चैप्टर। डाइस पढ़ेंगे कल, दो दिन का चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, आसान है। हाँ आओ, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, 19 ट्राइंगल सर्कल। इसमें आंखों का धोखा हो सकता है, कई बच्चे सर्कल को दो बार गिन सकते हैं, तो आंखों के धोखे के अंदर गड़बड़ हो जानी है। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अगला सवाल, डाइस आता है सर जी? हाँ डाइस आता है। दो मेरे पास में एक वो कुछ पेपर आए हुए हैं SSCGT के। तो मेरे पास एक SSGD पेपर है, इसमें मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर्स हैं। जैसे पहला सवाल है पेपर कटिंग से, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप भी देख पाओ अगर। तो पहला सवाल है पेपर कटिंग से, दूसरा सवाल है स्टेटमेंट कंक्लूजन से, और बेसिक क्वेश्चन है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल लैंड्स आर वैकेंट, नो लैंड्स, लैंड इज गर्ल, और उसी के आधार पर दे रखा है, दोनों स्टेटमेंट ही फॉलो नहीं कर रहे। फिर है बेसिक क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर, फिर है सवाल मैथमेटिकल ऑपरेशन पे बेसिक क्वेश्चन, फिर है सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर सिटिंग में, फिर है इसका डिक्शनरी का क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है डिक्शनरी का, फिर है ओ अरे यार सेम क्वेश्चन क्लास में कराया है, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 सिटिंग इन अ सर्कुलर रो, और फिर उसको बिठा करके
बिठा करके पूछा है कि भाई कौन से किसकी स्थिति। अच्छा ये स्टेट में बैठे हैं शायद, ठीक है, तो स्टेट में पूछा था, बोला था B1 के आसपास कौन है। फिर ये कोडेड रिलेशनशिप दिख रहा है क्या आपको, सवाल दिख रहे हैं थोड़े बहुत, कोडेड रिलेशनशिप का सवाल है, प्लस का मतलब ये, माइनस का मतलब ये, गुणा का मतलब ये, भाग का मतलब ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कितने क्वेश्चन कराए अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के, पिछले बैच की बात कर रहा हूँ आपके लिए नहीं बोल रहा, पिछले बैच में करवाए मैथमेटिकल, ये अल्फाबेटिक सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन टाइप टू का सवाल है, ऑप्शन में बदल करके रखना है, प्लस को माइनस, नो को आठ लिख के बताओ कि आंसर क्या होगा। अगेन एनालॉजी, अगेन कोडिंग डिकोडिंग, अगेन एनालॉजी, अगेन नंबर सीरीज, ये फिगर सीरीज, तीन चार क्लास ली थी आपकी फिगर सीरीज की, बेसिक क्वेश्चन नंबर सीरीज, ये सवाल कंप्लीशन ऑफ फिगर, ये सवाल मिरर इमेज, ये सवाल फिगर सीरीज, इसमें तो ना तो ढाई से ना ही फिगर काउंटिंग है, कोई दूसरे शिफ्ट में फिर देखेंगे। आप लोग भी भेजना जरूर जितने भी बच्चे हैं, और ये सवाल जैसे एक बच्चे ने भेजा गलत सवाल था, ये बोलते हैं ना एसएससी सॉरी पेपर में थोड़ी गलत सवाल आएगा, ये लो गलत सवाल, एक सवाल भेजा है बच्चे ने, ये जो आठ छह नंबर सवाल है उसने बोला सर इस पे ऑब्जेक्शन लगा दोगे, इसको आप लोग भी करना चाहो तो बाद में कर लेना, लो इसको स्क्रीनशॉट मार लो, इसमें दूसरा और तीसरा सवाल दोनों का आंसर सही आ रहा है, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन सही है, सिंबल्स दिए गए ये बदलो, और सिंबल्स बदलने के बाद में दूसरा और तीसरा आंसर दोनों ही सही है, उसने तीसरा सही मान रखा है तो उस पर ऑब्जेक्शन लगवाया, तो एग्जाम में आते हैं गलत कोई बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। आइए तीन तीन छ सात आठ नौ दस तेरह सोलह सत्रह, सत्रह त्रिभुज मौजूद, ठीक है। चलो भाई अब देखते हैं क्यूब काउंटिंग, कि भाई क्यूब काउंटिंग किस हिसाब से होती है, क्यूब काउंटिंग इस तरह की स्ट्रक्चर, इस तरह की स्ट्रक्चर और बड़ी स्ट्रक्चर, ये गिनी कैसे जाती हैं, बहुत ही आसान सा तरीका है किस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को गिन सको इमेजिनेशन पे, क्योंकि ये 3D फिगर होती है तो पीछे की फिगर दिख नहीं रही होती, सामने तो दिख रही है तीन फिगर है, नॉर्मली दिखती नहीं है पीछे की फिगर, और वहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। देखो नीचे से गिनना शुरू करते हैं हमेशा, आइए मैं सिखाता हूं इसका तरीका बेहतरीन सा, नीचे से गिनना शुरू करते हैं एक दो और ऊपर तक जाते हैं तीन, ठीक है, नीचे से ऊपर तक गिनने तीन आए, और वैसे ही फिर इससे ऊपर जाना है एक, ऊपर तो कोई है नहीं तो बस एक ही रह गया, चार क्यूब मौजूद है सवाल में, वैसे एक और सवाल, मैंने क्या कहा नीचे से गिनना शुरू करना है एक दो तीन चार पांच छह ऊपर तक जाना है, ठीक है, अब इससे ऊपर वाले से गिनना शुरू करना है एक दो तीन, ठीक है, अब इससे ऊपर वाली से गिनना है एक, ऊपर कोई नहीं है, बस दिस इज द आंसर, समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझे भाई। एक सेम सवाल दे दूं आपको फिर इसी बात पे, ये लीजिए इसका आंसर बताओ, सर मैंने पहली बार क्लास ज्वाइन करी है, तो आज अगर आपने ज्वाइन करी तो आज तो आप लेट हो गए बेटा, चौथा दिन आज तो क्लास ऑफ हो रही है, सॉरी चैप्टर खत्म हो रहा है आज, आप कल से फिर ज्वाइन करो, कल नया चैप्टर नए सिरे से जीरो से शुरू होगा, वहां और अच्छे समझ में आएगा, और इस चैप्टर को शुरुआत से कवर कर लेना फर्स्ट क्लास, ठीक है। आइए भाई नीचे से गिनती गिनना शुरू करना है, आइए शुरू करना है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, यहां से गिनती गिनना शुरू करो एक दो तीन चार पांच छह, यहां से शुरू करो एक दो तीन, यहां से शुरू करो एक, 20 आंसर है, मजा आया, इस तरह से गिनना है, आसान सवाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला सवाल इसमें आपको सिंगल यूनिट कितनी है ये बतानी है, सिंगल क्यूब की जो यूनिट्स हैं ये कितनी यूनिट्स हैं आपके पास में ये बताइए, बताइए जवाब क्या है, हम पहली बार क्लास में आए हैं, कैसे रूटीन बनाएं कि सारी क्लास ले ले। देखो यार
क्लासेस नॉर्मली आपकी 8 बजे शुरू होती है, और 8 बहुत ही लेट समय है। गांव में आप रहते हो तो 5 बजे लोग उठ जाते हैं, शहरों में भी रहते हो तो 7 बजे लोग उठ जाते हैं, 7 बजे से पहले ही। आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो बहुत जल्दी उठाना चाहिए, 5 बजे उठ ही जाना चाहिए आपको, अपने सारे बेसिक काम खत्म करके। और 8 बजे या तो अगर आसपास लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी को ज्वाइन करो। लाइब्रेरी ज्वाइन करने का इंटेंशन ये रखो कि घर पे पढ़ाई वास्तविकता है ये कम होती है या सही से हो नहीं पाती है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करो, वहां पर नेट भी अच्छा मिलेगा, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए माहौल भी मिलेगा और पढ़ भी पाओगे पूरे दिन बैठ करके। वहां जाइए, पढ़ाई करिए, बीच बीच में जो गैप मिलता है उसके अंदर आप रेस्ट कर सकते हो, बाहर आ सकते हो, अपना आराम ले सकते हो, लेकिन 2 स्लॉट में पढ़ाई करो। मतलब दोपहर के अंदर शायद थोड़ा बहुत गैप होगा और किसी क्लास में, तो उसको एज अ लंच ले लो, आप बाहर घर जाके खाना खाया हो, घर से खाना ले आओ, टिफिन खाओ, और शाम को फिर पढ़ाई करो। आखिरी के अंदर ये जरूर करना है आपको, एक काम जरूर करना है कि जैसे आपकी 4-5-6 बजे क्लास फिनिश हो तो आप घर पे जा सकते हो, लेकिन घर पे जाने के बाद में सोने से पहले रिविजन जरूर करना है। 1 घंटा निकाल लो, 1.5 घंटा निकाल लो, जितना भी निकालो। आपकी स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आपको कोई मतलब नहीं है किसकी शादी हो रही है, किसके जलवा में जाना है, किसके पेज लेके जाना है, किसके डिसऑर्डर में जीना है, किसके स्वामी में जीना है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपकी स्टूडेंट लाइफ में। 3-4 महीने अगर अच्छे से मेहनत कर लोगे तो काम आपका सेट है। 3-4 महीने की बात होती है ज्यादा, कोई बच्चा, मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई बच्चा 4-4-5-5 साल लगा रहा है, अपने आप को 5 साल तब दे गवर्नमेंट जॉब को जब आपको बहुत जरूरत है कि यार मैं तो इसके अलावा मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5 साल के बाद में तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी नहीं, एक फेज होता है बस, इस फेज से इस फेज के अंदर 18 से 22-23 के आसपास तक तैयारी होती है। इसमें सिलेक्शन तो ठीक नहीं, तो फिर अपना पैशन चेंज करिए, अपना गोल चेंज करिए, प्लान भी तैयार रखिए अपने लिए। बाकी इतने समय के अंदर किसी का भी सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इतना लंबा खेल नहीं होता गवर्नमेंट जॉब। नहीं हो रहा है तो समझ जाओ किस्मत कुछ और चाह रही है, आगे बढ़ो उसको लेकर के। गांव में कहां लाइब्रेरी है सर, होती है यार आजकल तो गांव में भी खुल गई है, 2-4 किलोमीटर की रेडियस में भी तो जाया करो लाइब्रेरी, थोड़ा माहौल मिल जाता है, इंटरनेट मिल जाता है, सारी चीजें सुविधाएं, ठंडी एसी वेसी भी मिल जाएगी, अच्छा गर्मियों के अंदर ठीक ठीक पढ़ लोगे, घर पे पढ़ ही नहीं पाओगे गर्मी में, कूलर चलेगा सोओगे तो। आओ, नंबर ऑफ क्यूब्स 1, 2, 3, 4 × 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 × 4, 24 × 6 कर लीजिए, या तो 100 कितना हो गया, 6 × 24 क्या गुणा कर दिया, 6 × 6, 36, 36 × 4 × 1 124 आंसर आ रहा है आपका। L into B into H कर दिया, सिंगल यूनिट सारी सारी पता चल गई, ठीक है, सिंगल यूनिट सारी सारी पता। इसमें भी ऐसा ही करना है, इसमें भी सेम वही करना है, 1, 2, 3 × 1, 2, 3 × 1, 2, 3, ठीक है, सिंगल यूनिट पता चल गई। इसमें भी वही करना, इस लेयर को अलग गिन लो, इसको अलग गिन लो, इसको अलग गिन लो, इसको अलग गिन लो, इसको अलग, मतलब इसको गुणा इसको कर लेना, ये लेयर आ जाएगी, इसको गुणा इसको कर लेना, यूनिट सिंगल यूनिट निकालने के लिए ये सारी चीजें, ठीक है। लेयर्स पूछता है तो 3D स्ट्रक्चर में पूछता है, यहां थोड़ा ध्यान देना, ये लेयर्स की बात करेगा, लेयर्स से एक लेयर है सेम इधर, दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर है सेम इधर, चौथी लेयर होगी, पांचवी लेयर है, छठवीं लेयर सामने, सातवीं लेयर पीछे, 7 लेयर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। ऐसे लेयर्स का क्वेश्चन कभी आया नहीं है, पर बस वैसे पता होना चाहिए 3D स्ट्रक्चर के अंदर किस हिसाब से लेयर होती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 5 नीचे 6, 7, 8, 9, ये पूरी 10 इसके जस्ट पीछे की तरफ, 10 लेयर्स इसमें है। जैसे ये पूरी एक लाइन है, लेकिन ये मुड़ गया तो ये दूसरी लेयर हो जाएगी, ठीक है। आओ, लेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सामने, 14 पीछे, 14 लेयर्स, ठीक है। इस तरह से जो है आप लेयर्स गिन सकते हो, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऑक्टागन कितने, 3, 3, 6, 7 ऑक्टागन है, ठीक है भाई, बस खत्म हुआ। यहां पर आपका फिगर काउंटिंग जो चैप्टर जो है उसको लगा रहे हैं हम फुल स्टॉप, और उम्मीद करता हूं कि किसी भी तरह की दिक्कत आपत्ति आपता आपको नहीं रही होगी चैप्टर में। 5 कॉन्सेप्ट की क्लासेस हम कर चुके हैं,
छह प्रैक्टिस की क्लासेस में टोटल करेंगे, मतलब आज एक प्रैक्टिस की क्लास दोपहर 2 बजे, कल दोपहर 2 बजे प्रैक्टिस क्लास, ऐसे करके 11 क्लासेस में हमने चैप्टर कंप्लीट करा, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे डाइस, लगभग चार दो कॉन्सेप्ट और दो प्रैक्टिस क्लासेस, उसका खेल है डाइस का। कल डाइस के कॉन्सेप्ट के साथ मुलाकात करेंगे भाई साहब आपके साथ में, और अभी दोपहर 2 बजे की फिगर काउंटिंग की क्लास को कोई भी बच्चा मिस नहीं करेगा, शानदार लेवल की क्लास होगी, दोपहर 2 बजे जरूर से सभी लोगों को पहुंचना है। इसी के साथ ये क्लास आखिर होगी कहां, क्या शेड्यूल है, ये शेड्यूल है भाई, 8 बजे जो है वो रीजनिंग की कॉन्सेप्ट की क्लास होती है, 10 बजे जीके की क्लास होती है, 11 बजे मैथ्स की क्लास होती है, 12 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 1 बजे जीके की प्रैक्टिस क्लास होती है, 2 बजे रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास आपकी होती है, 4 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस क्लास होती है, 5 बजे इंग्लिश की क्लास आप लोगों की होती है। शेड्यूल है कंप्लीट, दोपहर 2 बजे की क्लास के अंदर आना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये क्लासेस सारी की सारी माई रेजमडी एप्लीकेशन पर होती है, प्ले स्टोर पर जाइए माई रेजमडी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, कंप्लीट प्रयास लाइव बैच, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, लाइव स्कोरिंग सिस्टम, पीडीएफ क्लास के साथ में कंप्लीट आप लोगों को ये बैच मिलता है, सारथी बैच। इसके अंदर क्लासेस आप लोगों की डे बाय डे पर डे हो रही हैं, पोल लीडरबोर्ड और रैंकिंग के साथ में क्लासेस होती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग के साथ में क्लासेस होती हैं, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद है। टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के, प्रेशर को झेल लेंगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बैच काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। नोट्स बैच भी आपको दिया जाता है। अब यही तो बैच है जो रात को रिविजन करने में काम आएगा, सोने से पहले इसमें बस स्क्रोल ही करना है आपको, क्वेश्चन ही तो करना है 10 मिनट में बैठ करके। कॉन्सेप्ट के सारे नोट्स एक ही जगह मिल जाएंगे आपको, चैप्टर कंप्लीट होते हैं सीपीपी और सेगमेंट कंप्लीट होते हैं एसपीपी आपको मिलेगी, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, रैंकिंग सिस्टम, डाउट सेशंस के साथ में कंप्लीट आपको ये बैच मिलने वाले हैं। नोट्स बैच भी इसको एनरोल करो, दोनों बैचेज एनरोल करिए, अपनी प्रिपरेशन को शानदार लेवल पर आगे बढ़ाइए। बैचेस की फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम भी अच्छा खासा दिया गया है, सितंबर अक्टूबर तक का समय आपके पास, सितंबर 30 तक का, तो शानदार लेवल पर इसको करते हैं। सीएचएसएल के लिए वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाने वाला है, टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं सभी क्लासेस के अपडेट के लिए, कोई दिक्कत हो तो आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान इन नंबर्स पर हो जाएगा भाई, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल। वीडियो कैसा लगा, क्लास पसंद आएगी नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, होप यू एंजॉय सेशन, मिलेंगे अगली क्लास में दोपहर 2 बजे।